नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिन से डटे किसानों की नजर आज गुजरात पर टिकी है और उसका कारण यह है कि किसानों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ के किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। आज पीएम मोदी कच्छ में दो किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो कृषि कानूनों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री एक दिन के दौरे पर थोड़ी देर में गुजरात पहुंचेंगे। आज कच्छ में पीएम मोदी 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करने वाले हैं। इसमें कच्छ के खावड़ा में बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क शामिल है। इसके अलावा एक और बड़ी सौगात कच्छ को मिलने वाली है। जल्द ही कच्छ में पीने के लिए मीठा पानी मिलेगा। इसके लिए पीएम आज डिसेलिनेशन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कच्छ में रण उत्सव में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद वो सफेद रण से सूर्यास्त के दीदार करेंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर निर्णय कपूर ने हर वो स्पॉट कवर किया, वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल सबकी नजर पीएम मोदी और किसानों के बीच होने वाली मुलाकात पर आज टिकी रहने वाली है, क्योंकि कृषि आंदोलन के बीच किसानों के साथ पीएम की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी पहले ही कई बार कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भरोसा दे चुके हैं। पीएम के मुताबिक नए कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में हैं। तो आज का प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज कच्छ के रण उत्सव में पहुंचेंगे। यहां पर वो टेंट सिटी के दरबारी टेंट में रुकेंगे और किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से पहले इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर उस टेंट सिटी में पहुंचे हैं, वहां क्या इंतजाम किए गए हैं सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। विश्व के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और डीसेलिनेशन प्लांट के ये जो दो परियोजना हैं, इनके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये स्थल चुना है, इसके पीछे भी खास वजह है और वो है यहाँ सफ़ेद रण में आयोजित होने वाला ये रण उत्सव, जिसकी शुरुआत खुद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए की थी और उसके बाद यहाँ पर आकार लिया इस सुंदर टेंट सिटी ने। खुद प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे तो वो सबसे पहले इस टेंट सिटी में भी आकर के यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद फिर वो जो समारोह स्थल है वहाँ जाएंगे, वहाँ से इनॉग्रेशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस स्थान के साथ उनका एक खास लगाव है, खास जुड़ाव है। इस सफ़ेद रण को पूरे विश्व में प्रमोट करने के लिए ही इस टेंट सिटी की शुरुआत की गई थी, ताकि यहाँ सुदूर रण में जो सैलानी है दूर से आकर के कच्छ की इस सुंदर जो धरती है, यहाँ की जो एक इकोलॉजी है अलग तरह की, उसका निदर्शन करें, कच्छ की कला का यहाँ पे वो कलाकृति जो है कच्छ की, उसको आकर के यहाँ पे खुद देखें। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ खुद पहुँचेंगे, टेंट सिटी में रहेंगे और अपने इस विजिट के दौरान वो यहीं पास में अब इसको और एक स्टेज आगे ले जाते हुए यहाँ क्राफ्ट विलेज का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ वो जा करके यहाँ की लोकल जो संस्कृति है, कलाकृति है, उसका निदर्शन भी करेंगे और एक तरह से यहाँ दोबारा उसे विश्व के सामने एक नए रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश भी की जाएगी। जैसा कि निर्णय बता भी रहे थे, इसी टेंट सिटी में क्राफ्ट विलेज भी बनाया गया है। ये क्राफ्ट विलेज मिनी गुजरात मॉडल की तर्ज पर बना है। इसमें गुजरात की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। पीएम मोदी आज इस क्राफ्ट विलेज में भी जाने वाले हैं। उससे पहले इंडिया टीवी रिपोर्टर निर्णय कपूर ने मौके से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार कर भेजी है, आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जब धोरणों में रण उत्सव प्लान किया था, तब उनका ये सजेशन था कि हमेशा इसमें कुछ न कुछ नया ऐड होते रहना चाहिए और उसी का परिणाम है कि अब इसमें ये एक नया अट्रैक्शन ऐड होने जा रहा है, जिसे नाम दिया गया क्राफ्ट विलेज। और इसमें गुजरात के जो तमाम इलाके हैं, बड़े मेजर रीजन्स जो हैं, उसकी कलाकृति, वहाँ का खान पान सब यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा और इसको 4 भागों में बांटा गया। जैसे कि ये जो सेक्शन है, ये है कच्छ का इलाका और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीछे कच्छी भूंगे नज़र आ रहे हैं, ये उनका
बेसिक जो रहन सहन का स्टाइल है, जो घर है, आप देखिए इसमें जिस तरह से कलाकृति बाहर की गई है। यहाँ पे आर्टिस्ट मौजूद रहेंगे जो यहाँ पे अपनी जो कलाकृति है उसको प्रदर्शित करेंगे, प्लस यहाँ कच्छ का खान पान भी होगा। इसी तरह से दूसरे रीजन में अगर हम जाके आपको दिखाएं, यहाँ पे सामने अगर आप देखें तो ये रीजन जो है ये साउथ गुजरात का रीजन है, दक्षिण गुजरात की कलाकृति की झांकी यहाँ आपको देखने को मिल रही है। इसी तरह से यहाँ पे वहाँ के जो कलाकार होंगे वो अपने कलाकृतियाँ प्रदर्शित करेंगे, वहाँ का रहन सहन इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है इनके घरों में। और यहीं अगर आप देखें बीच में तो ये खाने पीने के स्टॉल भी बने हुए हैं जिसमें इन इलाकों के, इन रीजन के जो वहाँ पे जो खान पान उपयोग में लाया जाता है उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। और एक रीजन होगा सौराष्ट्र का, यहाँ अगर आप देखें इन घरों को तो इसमें साफ तौर पर सौराष्ट्र की झलक नज़र आती है। उसी प्रकार के घर और वही चबूतरे, पीने के पानी के कुएं जिस तरह के सौराष्ट्र में देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ, और एक ट्रेडिशनल टच पूरा इस विलेज को दिया हुआ है। यहाँ अगर आप देखें साउथ नॉर्थ गुजरात का ये इलाका है, माफ कीजिएगा, नॉर्थ गुजरात के इस इलाके में आप देखिए जिस तरह का ये घर होते हैं, गुजरात के चारों अलग अलग रीजन्स में किस तरह के घर होते हैं, किस तरह के वहाँ की कलाकृतियाँ हैं, उसको यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा आर्टिस्ट द्वारा। और बाकायदा जो खान पान है उन रीजन्स का वो यहाँ पे परोसा जाएगा जो गेस्ट आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पूरा एक मिनी गुजरात का जो कल्चर है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है इस क्राफ्ट विलेज में, जो कि एक नया अट्रैक्शन है और आगे जाके परमानेंट अट्रैक्शन ये बनने जा रहा है। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं ढोरड़ो में, यहीं से वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, पेट प्रोजेक्ट्स, उनका तो शिलान्यास करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है रण उत्सव का, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ वाइट रन को प्रमोट किया है, हो सकता है यहाँ से गुजरते वक्त वो कुछ समय यहाँ बिताएं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे। हो सकता है यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, क्योंकि कई विश्व प्रख्यात आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ अलग अलग रीजन से जो बिलोंग करते हैं गुजरात के, वो यहाँ मौजूद रहेंगे और हो सकता है उनसे वो इंटरेक्ट भी करें, लाइव उनको यहाँ पे काम करते हुए देखना और उस पर्टिकुलर इलाके की जो कलाकृति है उसको समझना, ये यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन के उभरेगा। और यही इस क्राफ्ट विलेज के पीछे का ओरिजिनल कंसेप्ट भी है। क्राफ्ट विलेज और टेंट सिटी जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कच्छ को तीन बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज पीएम मोदी कच्छ में बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क उसका शिलान्यास करेंगे। जिस खावड़ा में ये सोलर पार्क तैयार किया जाएगा वहां सबसे पहले हमारे संवाददाता निर्णय कपूर पहुंचे। क्यों खास होगा ये सोलर पार्क और कैसे इसे किया जाएगा तैयार, उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। कच्छ के इस विशाल रण में धर्मशाला और विगुकोट के बीच शक्ति बेट के पास पाकिस्तान की सीमा से करीब सिर्फ 6 किलोमीटर दूर ये पार्क जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके लिए 80,000 हेक्टेयर यानी करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। और देश की 6 बड़ी कंपनीज जो हैं वो इसमें पार्टनर की तरह शामिल होंगी, जो कि हाइब्रिड पार्क में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगा करके रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगी। और बिल्कुल सीमा पे, ठीक बॉर्डर पे, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक विंड एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। और इस पूरे पार्क में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि करीब 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और उसके लिए करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर में अडानी के द्वारा पार्क बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के ये टारगेट रखा गया है कि आने वाले 2 से 3 सालों में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो टोटल कैपेसिटी है, उसका 50% काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, और अगले 5 सालों में ये प्लांट जो है ये पूरी तरह अपनी फुल कैपेसिटी में काम करेगा। और जो इसका टारगेट सेट किया गया है 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, वो ये अचीव कर लेगा। पीएम मोदी जिस सोलर पार्क का शिलान्यास करने वाले हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, लेकिन उसकी खासियत क्या है और कितना भव्य वो होगा ये समझाने के लिए हमारे संवाददाता ने चारणका से, सोलर पार्क से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में जिस सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना कच्छ में करने जा रहे हैं, अगर उस विजन की विशालता को समझना, उस विजन के महत्व को समझना है तो चारणका में स्थित ये सोलर एनर्जी पार्क हमें देखना होगा। ये उस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ट्रेलर है जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ये उन्हीं का विजन था जो कि आज आप देख सकते हैं। करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये पार्क है जिसमें 750 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जो पार्क बनने जा रहा है वो 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी विशालता कितनी बड़ी होगी, कितना विशाल होगा वो, क्योंकि ये सिर्फ 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ पार्क है जो कि पीछे आप मेरे देख रहे हैं, लेकिन वो जो बनने जा रहा है पार्क कच्छ में वो करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी सोलर और विंड एनर्जी के जरिए। हाइब्रिड पार्क होगा और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उन्होंने इसके बारे में बताया था करीब आज से 11 साल पहले, जब अपनी कल्पना उन्होंने विश्व के सामने रखी थी, तब शायद किसी को अनुमान भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस विशाल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि अब साकार होने जा रहा है। और उसका एक झलक जो है उस विशाल विजन की, वो यहाँ आपको चारणका में आकर के देखने को मिलती है जहाँ ऑलरेडी एशिया का सबसे पहला रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है, ये मेरे ख्याल से पहला ऐसा कंसेप्ट था जो कि पूरे एशिया में यहाँ एस्टेब्लिश हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सपना साकार होने वाला है। 11 साल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने सोलर पार्क के बारे में सोच लिया था। उस वक्त भी इंडिया टीवी रिपोर्टर निर्णय कपूर ने मोदी से बात की थी, सुनिए उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। रण लोगों को बोझ लगता है, मुझे रण में हिंदुस्तान का तोरण नजर आता है और मेरी कोशिश यह है कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक चिंता का माहौल बना है, आवश्यकता यह है कि जो स्थिति है सो है। जिन लोगों ने नेचर का एक्सप्लोइटेशन किया है, जो पाप किया है, सारी मानव जात को भुगतना है। अब चिंता करके बैठना है कि कोई रास्ता खोजना है। रण के अंदर हम लोग मिलकर के उपाय की ओर सोच रहे हैं। ये रण में सोलार एनर्जी के लिए बहुत स्कोप है और कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए सोलार एनर्जी सबसे बड़ा सरल उपाय है, विंड एनर्जी सबसे बड़ा उपाय है। अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को कैसे लेना, नेचर के साथ कैसे जुड़ना, ये सारे विषय और उन सब विषयों को लेकर के डेवलपमेंट की दिशा कैसी हो और रणभूमि में हम रणनीति तैयार करने के लिए इकट्ठे आए हैं। आज पीएम मोदी कच्छ के उस नजारे को भी देखेंगे जिसके लिए दूर दूर से टूरिस्ट कच्छ पहुंचते हैं। ये नजारा है सूर्यास्त का। संवाददाता निर्णय कपूर की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कच्छ के धोड़ों में फैला हुआ ये सफ़ेद रण आप देख सकते हैं, मीलों तक यूं ही सफ़ेद चादर जो है वो पथरी हुई आपको नज़र आएगी। और सबसे खूबसूरत नज़ारा इसका ये होता है डूबते हुए सूरज का। डूबता हुआ सूरज आप देखिए किस तरह से अपने रंगों को की जो सफ़ेद चादर जो है इन रंगों पे बिखेरता हुआ आपको नज़र आता है। और यही नज़ारा एक बार फिर देखने प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रण में आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, पूरी दुनिया को सबसे पहले ये नज़ारा उन्होंने ही आज से 11 साल पहले दिखाया था। ये सफ़ेद रण क्या है इसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे और ये सफ़ेद रण इसके टूरिज़्म पोटेंशियल, इसकी खूबसूरती, इसको विश्व के सामने उन्होंने उजागर किया रण उत्सव के माध्यम से। और एक बार फिर जब वो इसी रण में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू करने यहाँ पे आ रहे हैं, उसके भूमि पूजन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक बार फिर अपना जो सबसे फेवरेट टूरिज्म प्रोजेक्ट है जिसको खुद उन्होंने शुरू किया था रण उत्सव, और जिसका आधार है ये सफ़ेद रण और इसके डूबते हुए सूरज का ये नज़ारा, उसे दिखाने एक बार फिर वो यहाँ पे आ रहे हैं। और आप देखिए कि जब सूरज डूबता है इस रण की जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा निखर आती है। और ये मैं आपको बता दूँ, एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ
से आप अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह एक तरफ सूरज को उगते हुए और दूसरी तरफ चंद्रमा को डूबते हुए भी एक साथ देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सालों साल की प्रक्रिया है जिसमें इस रण में अगर आप देखें तो पूरा पानी से भर जाता है ये बरसात में, और उसके बाद धीरे धीरे जब पानी सूखता है और उतरता चला जाता है तो ये सफ़ेद चादर जो है ये इस रण में बिछती हुई नज़र आती है। और ये जो सफ़ेद रण है अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, पूरी तरह एक वर्जिन लैंड था, यहाँ हज़ारों मील में ये फैला हुआ है। और इसी की खूबसूरती को उजागर करने के लिए रण उत्सव जो शुरू किया गया, एक बार फिर उसे अलग अंदाज में विश्व के सामने प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे जब वो इस डूबते हुए सूरज का नज़ारा यहाँ से देखेंगे और पूरे विश्व को दिखाएंगे। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ पहुंचने वाले हैं। पीएम के दौरे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।